तो दोस्तों, जैसा कि नवीन तिवारी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, देख सकते हैं छोटों को राम राम, बड़ों को प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो सभी से कहूंगा भाई, कोई बाहर मत निकलो। पहाड़ों में आजकल बहुत बड़ी तबाही आई हुई है, देख सकते हैं कितना पानी बरस रहा है, पूरे खेतों में लोगों के पानी चला गया है। क्या बुरा हाल है भाई, शाम को लोग कैसे जाएंगे, देख सकते हो भाई। ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया। अभी आप सभी लोग नवीन तिवारी ब्लॉग में हैं और मेरे चैनल का नाम जो कि नवीन तिवारी ब्लॉग है, मैं आया हूँ देखने के लिए। यहाँ पर हमारे घर के पीछे की साइड है, पीछे की साइड का एरिया दिखा रहा हूँ आपको पूरा, जो कि एकदम तबाही से बुरा हाल है। पूरे लोगों के खेत यहाँ से जो है कि बह चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। और देख सकते हो कितना पानी इस नदी में आ गया है, इतनी ऐसी तबाही हमने कभी नहीं देखी भाई। इधर हमारे क्षेत्र ताकुला की तरफ कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। देखो भाई, ये क्या हो गया रे, ये क्या है। इंद्र देवता, अब आप आराम करो, विश्राम करो, छुट्टी ले लो भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है। सूर्य देवता को प्रकट करो, ये ऐसे तो तबाही हो जाएगी पूरे पहाड़ों में। क्या जबरदस्त माहौल देख सकते हैं पहाड़ों में, और बहुत ही तबाही भाई। लोग जो भी नीचे से ऊपर की तरफ आने वाले हैं कुछ दिनों के लिए, भाई सभी लोग विश्राम कर लो। देख सकते हो पहाड़ों के क्या हाल हैं, और पहाड़ों में 3 दिन से बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने के कारण जिस नदी में बिल्कुल पानी नहीं आता था, वो नदियां आप देख सकते हो किस प्रकार से तबाहियां मार रही है। देखो किस प्रकार से यार, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं आज तक। ये क्या हो गया भाई, ऐसा ये क्या हो गया, पूरा रास्ता बह गया यार, कुछ भी नहीं बचा है। बताओ, ये पूरा रास्ता था यहाँ से, ओ पूरा किनारे किनारे रास्ता था, सारा रास्ता साफ हो गया। बताओ यार, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या होगा भाई, ये क्या होगा, ये क्या हो गया यार, ऐसा तबाही तो कभी होती नहीं थी पहाड़ों में। गजब हो गया रे तबाही। देखो आप देख सकते हैं कितना पानी आ गया है, लगता है 2-3 बादल ऊपर फट गए हैं। और बादल फटने से देखो, आप देख सकते हो कितनी भयंकर नदी आई है। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। दिखा सकता हूँ आपको पूरा पानी ही पानी चारों तरफ। 3 दिन की बारिश लगातार, 3 दिनों से हो रही बारिश ने बड़ी ही भयंकर तरीके से मचाई है तबाही पहाड़ों में। हर हर महादेव देख सकते हैं दोस्तों। और ये पूरा रास्ता, ये पूरा रास्ता था, पूरा रास्ता बह गया है और अब कुछ बचा नहीं। देखो पानी ऊपर तक, ये देखो अभी बढ़ ही रहा है पानी, घट नहीं रहा है, और ऊपर तक पूरा पानी उछाल मार रहा है भयंकर तरीके से। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। क्या सुंदर सा भव्य सा नजारा देख सकते हैं आप दोस्तों। इतना पानी आ चुका पहाड़ में, 3 दिन से कंटिन्यू बारिश होने के कारण ये सब कुछ देखने को आज मिल रहा है। इस नदी में कभी पानी ही नहीं आता था, और आज देखो एक पूरा एक खरा खेत वाली नदी है पूरी, देख सकते हैं आप कितना पानी, कितना भयंकर, और कितनी और भी तेज बहाव बढ़ते ही जा रहा है। बहाव का कम होने का कोई नाम ही नहीं है। देख सकते हो दोस्तों कितनी बड़ी तबाही हो रही है पहाड़ों में। अरे ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया। हालत खराब है, बहुत ज्यादा पानी होने के कारण चारों तरफ तबाही का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों के सारे खेत हैं जो बह चुके हैं, जो कृषक के लोग थे, जो कृषि करने वाले लोग थे, उनके सारे खेत बह चुके हैं। और पानी देख सकते हैं ऊपर को किस तरीके से छाल मार रहा है, मतलब बढ़ ही रहा है, कम होने का नाम नहीं है पानी का। बहुत ही भयंकर नज़ारा दिखा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। और कितना पानी, इतना पानी तो ये पहाड़ों में कभी आया ही नहीं। और देखो कितनी चौड़ी हो गई है, बढ़ते ही जा रहा पानी, घटने का नाम नहीं है। और अरे भाई ये क्या हो गया यार, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। ये पहाड़ों में तबाही का माहौल देखने को मिल रहा है। 17-18 दिन कंटिन्यू बारिश हुई थी, इतना पानी नहीं था, जितना पानी अभी देख रहे हो आप, कितना पानी है। अरे क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है। इतने बड़े बड़े यहाँ पर पूरा डैम जैसा था, पूरा बह चुका है और पूरा बह के साफ हो गया है, देख सकते हो आप चारों तरफ का सुंदर सा माहौल पहाड़ों में। ये क्या हो गया भाई। अरे इंद्र देवता रुक जाओ, रुक जाओ इंद्र देवता, पहाड़ के लोगों पर कृपा करो, ये क्या कर रहे हो आप, रुक जाओ, छुट्टी अपनी कैंसिल करो।